बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट, मूवमेंट एंड शिफ्ट्स इन द डिमांड कर्व। मूवमेंट एंड शिफ्ट्स इन द डिमांड कर्व, डिफरेंस बिटवीन चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। एक एडवाइस, आज ही खत्म हो जाएगा, ठीक है ना? आज ही शुरू होगा, आज ही खत्म हो जाएगा, अगर अच्छे से समझ आ गया, जिसके आने की प्रोबेबिलिटी 90% है। अगर अच्छे से समझ आ गया, 100% सेम सप्लाई में भी कॉन्सेप्ट आएगा, 100% सेम सप्लाई में भी कॉन्सेप्ट आएगा, और 100% सेम यही चीजें मूवमेंट्स एंड शिफ्ट्स। लास्ट यूनिट है प्राइस डिटरमिनेशन, मार्केट इक्विलिब्रियम। पहले हम कंज्यूमर का बिहेवियर एनालाइज करेंगे, फिर हम प्रोड्यूसर का बिहेवियर एनालाइज करेंगे, फिर हम प्राइस डिटरमिनेशन करेंगे। तो जो हम आज सीखेंगे वो डिमांड में भी यूज होगा, वो सप्लाई में भी यूज होगा, और वो मार्केट इक्विलिब्रियम में भी यूज होगा। बहुत आसान है, बट फिर भी ध्यान से नहीं करा जाए तो जीरो होगा। चलो, मूवमेंट्स एंड शिफ्ट्स इन द डिमांड कर्व। एक होता है मूवमेंट अलोंग द कर्व, एक होता है शिफ्ट्स इन द डिमांड कर्व। तो कब मूवमेंट अलोंग द कर्व होगी, कब शिफ्ट होगा? तो उसके लिए हमें अंडरस्टैंड करना है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और चेंज इन डिमांड में क्या फर्क होता है। ध्यान से देखेंगे, हम ऑलरेडी कर चुके हैं एक बारी बेसिक मीनिंग ऑफ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। व्हेन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी चेंजेस ड्यू टू चेंज इन इट्स ओन प्राइस, व्हेन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी चेंजेस ड्यू टू चेंज इन इट्स ओन प्राइस, इट इज टर्म्ड एज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। सर क्या देखो, क्या बहुत इजी, ध्यान से देखना। पांच मिनट का कॉन्सेप्ट है मूवमेंट अलोंग द कर्व, पूरी कॉन्सेंट्रेशन लगा दो, बहुत एडवांटेज पे रहोगे। एक्स एक्सिस पे हम क्या शो करते हैं? क्वांटिटी इन यूनिट्स। इस एरो का मतलब है ये इस डायरेक्शन में बढ़ता है। यहां क्या शो करते हैं? प्राइस इन रुपीज। ये किस डायरेक्शन में जाता है? इस डायरेक्शन में जाता है। अब ध्यान से देखना, डिमांड कर्व की शेप कैसी होती है? डिमांड कर्व होता है ऐसा। डिमांड कर्व की शेप कैसे होती है? डिमांड कर्व होता है ऐसा। अब ध्यान से देखना बेटा, तो आप नहीं बोलोगे तो भी देखेंगे। ओके, अब ये प्राइस है, क्या है ये? P0 Q0, मतलब ये ओरिजिनल प्राइस। इस प्राइस पे क्वांटिटी इतनी है। अब अगर प्राइस बढ़ गया, अगर प्राइस बढ़ गया तो क्या होगा, क्वांटिटी पे क्या इंपैक्ट आएगा? तो ये देखो, क्वांटिटी कम हो जाएगी। अगर प्राइस बढ़ गया, P से P1 हो गया, अगर ये मूवमेंट, छोटी छोटी एरोज दिखानी पड़ेंगी। ये था पॉइंट ए, ये पॉइंट बी। प्राइस बढ़ गया, प्राइस बढ़ने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड कम हो गई, तो मूवमेंट फ्रॉम ए टू बी, पहली बात क्या है, ये मूवमेंट है, मूवमेंट अलोंग द कर्व। तो मूवमेंट फ्रॉम ए टू बी, इसको क्या बोलते हैं? डिमांड बढ़ रही है, कम हो रही है? कम हो रही है, तो क्या बोलेंगे? डिक्रीज इन डिमांड। यस और नो? नो, बी केयरफुल, डिक्रीज वर्ड यूज नहीं कर सकते। जब शिफ्ट्स होंगे तो इन ये वर्ड पूरा जीरो मिलेगा आपको, यही ध्यान देना है बस। वरना तो बात बड़ी सिंपल सी है कि सर कौन सी नई बात है, प्राइस बढ़ेगा डिमांड गिरेगी, गिरेगी हिंदी में गिरेगी, बट इंग्लिश में वर्ड यूज किया जाएगा कॉन्ट्रैक्शन। क्या वर्ड यूज किया जाएगा? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। डिक्रीज इन डिमांड जीरो मिलेगा आपको, अभी पता चलेगा। शिफ्ट्स के लिए यूज करते हैं इंक्रीज डिक्रीज। क्लियर है ये पॉइंट? अब अगर प्राइस गिर गया, प्राइस गिर गया,
तो क्या होगा, डिमांड बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी। प्लीज नीटली बनाना आप, और हो सके तो आप दो अलग कर्व्स बनाना, एक ग्राफ पे दिखाना कॉन्ट्रैक्शन, एक ग्राफ पे दिखाना क्या कहते हैं इसको, P2 से Q2 हो गया, इसको बोलते हैं एक्सपेंशन। क्या बोलते हैं इसको, एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। बहुत इजी है, बस ध्यान क्या देना है, कब होता है ये मूवमेंट अलोंग द कर्व, जब कमोडिटी का प्राइस खुद चेंज हो रहा है, कि प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड गिर गई, उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, अपवर्ड मूवमेंट इन द, ये अपवर्ड मूवमेंट है डिमांड कर्व की। कॉन्ट्रैक्शन में क्या हो रही है, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द डिमांड कर्व, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द डिमांड कर्व। एक्सपेंशन में क्या हो रही है, डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द डिमांड कर्व, डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द डिमांड कर्व। एक्सपेंशन, एक्सपेंशन मूवमेंट कब होती है, व्हेन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी चेंजेस, व्हेन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी चेंजेस, मूवमेंट अलोंग द कर्व, चेंज इन ऑल्सो नोन एज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, व्हेन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी चेंजेस ड्यू टू चेंज इन इट्स ओन प्राइस, कीपिंग अदर फैक्टर्स कॉन्स्टेंट, कीपिंग अदर फैक्टर्स कॉन्स्टेंट, इट इज नोन एज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, इट इज नोन एज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। हाउ इज इट ग्राफिकली एक्सप्रेस्ड, इट इज ग्राफिकली एक्सप्रेस्ड एज अ मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व। तो ए टू सी, चलो अब आप बोलो, आप बोलो, आप बोलो, आप बोलो, आप बोलो, आप पे रुके हम, आप बोलो, मूवमेंट फ्रॉम ए टू बी क्या है, करेक्ट, इसे बोलते हैं एक्सपेंशन, ऑल्सो नोन एज डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द कर्व। ए टू सी क्या है, कॉन्ट्रैक्शन, इसे क्योंकि अपवर्ड ना, अपवर्ड सुनते हैं, अपवर्ड मतलब बढ़ रहा है, तो गलती कर देते हैं, अपवर्ड मूवमेंट अलोंग द कर्व कॉन्ट्रैक्शन है, क्या है कॉन्ट्रैक्शन। एक्सपेंशन इज शोन बाय अ डाउनवर्ड मूवमेंट, डाउनवर्ड मूवमेंट, तो ये कीवर्ड्स हैं, ठीक है ना, क्योंकि अगर ध्यान ना दो, एक्सपेंशन याद रहे कुछ नहीं, और सुना नहीं हमने अपवर्ड मूव डाउनवर्ड, और एकदम से एग्जाम में आया अपवर्ड मूवमेंट हुई है तो क्या हुआ है, अरे किसी को भी ऐसा लगे अपवर्ड मतलब बढ़ रहा है, क्योंकि पॉजिटिव लगता है ना, अपवर्ड बढ़ रहा है, यही ध्यान देना है कि अपवर्ड मूवमेंट अलोंग द कर्व कॉन्ट्रैक्शन है, डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द कर्व एक्सपेंशन है। प्लीज डू आई नीड टू एक्सप्लेन मोर, समझ आ गया ना, ठीक है। तो ये OP2, OP1 क्या बोलते हैं, जैसे ये जो प्राइस है, ये जो प्राइस है इसे बोलते हैं OP, क्या बोलते हैं इसको, OP ऐसे रीड करते हैं, क्वांटिटी क्या है, OQ, तो जब आप प्राइस OP1 हो गया तो क्वांटिटी OQ1 हो गई, तो ये OP1, OQ1, ये सब समझ आ गया ना, पक्का। एक्सप्लेन कर चुका हूं मैं आपको ये सारी बातें, सब रेपिटेशन है, अपवर्ड मूवमेंट क्या है कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, डाउनवर्ड मूवमेंट क्या है एक्सपेंशन इन डिमांड। प्लीज लिखना आना चाहिए, तो लैंग्वेज एक बार ही बता चुका हूं मैं आपको ऑलरेडी, कोई भी डाउट लिखना भी आना चाहिए, सब ग्राफ नहीं, जैसे क्या हो रहा है यहाँ पे, व्हेन द प्राइस चेंजेस फ्रॉम OP0 टू OP1 द क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स फ्रॉम OQ0 टू OQ1, ऐसे बस ये लिखना आना चाहिए, कोई दिक्कत। अच्छा क्या है ये, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड होता क्यों है, ड्यू टू चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, एक्सप्रेस कैसे किया जाता है ग्राफिकली, बाय अ मूवमेंट अलोंग द कर्व, क्या हो सकता है, या तो अपवर्ड मूवमेंट होगी या डाउनवर्ड मूवमेंट होगी, अपवर्ड मूवमेंट होगी तो क्या हो रही है कॉन्ट्रैक्शन, डाउनवर्ड मूवमेंट है तो क्या हो रही है एक्सपेंशन, कोई भी डाउट। इसी के साथ मूवमेंट अलोंग द कर्व समाप्त हुआ।